दर्शकों, स्वागत है आपका कुमाऊनी बेला में। आज जायके की रसोई में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम सीधी सरल कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ। देखिए इसको बनाने की क्या विधि है, बनाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया, डोंके में आटा लिया थोड़ा सा, ठीक है, एक कटोरी के करीब। फिर उसमें डाला हरी मिर्च काटी उसमें 3-4, जितना आप खाना चाहें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर हमने थोड़ा सा उसमें डाला नमक स्वाद के अनुसार, फिर हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमारे घर के पिसे हुए मसाले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम घर के पिसे हुए ही मसाले यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अब इसको कैसे बनाया जाएगा आप देखिए पूरी प्रोसेस। ये पकौड़ियाँ बनने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम एक के बाद एक इसमें पकौड़ियाँ तलना शुरू करेंगे। कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ हैं ये खासकर व्रत में खाया जाता है और काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी होता है। इसकी पूड़ियाँ भी बनती है व्रत में। और देखिए क्या प्रोसेस है। मैंने कुट्टू का आटा लिया, छोटी कटोरी और 4 हरी मिर्च काटे बारीक करके, और थोड़ा मैं जीरा डाल रखा, थोड़ा सा हरा धनिया और हल्की से थोड़ी सी धनिया और नमक, वो नमक सैदा नमक, बत्ती नमक होता है सैदा नमक, और जाके थोड़ा सा आधी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा मैं बना रही हूँ पकौड़ी। घरेलू मसाले, हल्दी अच्छे से फीट के हमने घोल मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पकौड़ियाँ तलनी शुरू करेंगे। ये व्रत में खासकर खाई जाती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। देखिए आप और ट्राई कीजिए। इसकी पूड़ियाँ भी बनते हैं फर्स्ट क्लास। इसकी पूड़ियाँ भी बनती हैं और क्या, काफ़ी टेस्टी होती भी बनते हैं जो जैसे चाहे। और नमक जो सैदा नमक होता है, बर्ती नमक डालना पड़ता है। अब हम एक के बाद इसमें पकौड़ियाँ तलेंगे अच्छे से। हाँ, अच्छे से हम फीट लेंगे घोल को, अच्छे से फीट लेना चाहिए मिक्सचर को। इससे पकौड़ियाँ हमारी क्या होती हैं, अच्छे से फूलती हैं और हल्की होती हैं। ये देखिए हम इस तरीके से तलेंगे अब एक एक करके, अच्छे से देख लीजिए। बहुत सिंपल आसान रेसिपी है। कुट्टू का आटा लाइए आप मार्केट से, एक कटोरी के करीब उसको, आपको जितना खाना है आप एक कटोरी, जितने आपके फैमिली में मेंबर्स हैं उस हिसाब से आप घोल तैयार कीजिए। नमक डालिए स्वाद के अनुसार, हरी मिर्च डालिए, घरेलू मसाले डालिए, हल्दी पाउडर। सिंपल है और आपकी पकौड़ियाँ हो जाएंगी तैयार। इसे आप चाय के साथ भी ले सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। चाय के साथ, खाली चाय नहीं पीते उसके साथ ले लो। देखिए
नमक नहीं करना है।